दुर्गा या असुरांचा नक्की संहार करतील यात माझ्या मनात कोणती शंका नाही। आणि म्हणून मी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांचं अभिनंदन यासाठी करीन की त्यांची अमेरिका यात्रा जी झाली त्यामध्ये टेक्नॉलॉजी, व्यापार, त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट को लेकर चर्चा हुई, सेमीकंडक्टर, डिफेंस जैसे विभिन्न विषयों पर एमओयू किए गए। महाराष्ट्र में भी इसकी शुरुआत हुई है, नवी मुंबई में सेमीकंडक्टर का काम शुरू हुआ है, दावोस में 5 लाख से ज़्यादा एमओयू हुए, लगभग 70% का काम शुरू हुआ है। ये केवल आपके गारंटी के वजह से हुआ है, ये इसका मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए मोदी जी के प्रयास से यह साथ और मजबूत होगा, ऐसा विश्वास है। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, औद्योगिक प्रगति को बल मिलेगा, एक प्रगतिशील राज्य के तौर पर इस दौरे से निश्चित तौर पर महाराष्ट्र को भी फायदा होगा। आज जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मोदी जी आपके नेतृत्व में शिखर पर है राष्ट्र, मोदी जी आपके नेतृत्व में शिखर पर है राष्ट्र। देश का गौरव बढ़ाने के लिए सदा साथ रहेगा महाराष्ट्र। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब थाने शहर में सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन, नैना शहरी नियोजन योजनाओं के तहत बुनियादी ढांचे के कार्यों का शिलान्यास, छेड़ा नगर घाटकोपर से आनंद नगर थाने तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे का विस्तारीकरण का भूमि पूजन, थाने नगर निगम की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन एवं मेट्रो लाइन 3 अर्थात मुंबई की पहली भूमिगत एक्वालाइन कोलाबा बांद्रा सीप्स मेट्रो के पहले चरण अर्थात आर्य कॉलोनी जेवीएलआर से बीकेसी का उद्घाटन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पलकों का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। मुंबई एमएमआर में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आज 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो का भी शिलान्यास हुआ है। नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया यानी नैना प्रोजेक्ट छेड़ा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे, ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नया मुख्यालय, ऐसे कई बड़े विकास कार्यों का भी आज शिलान्यास हुआ है। ये विकास कार्य मुंबई और ठाणे को आधुनिक पहचान देंगे। साथियों, आज ही आरे से बीकेसी मुंबई की एक्वालाइन मेट्रो का शुभारंभ भी हो रहा है। इस लाइन का मुंबई के लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। मैं आज जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जापान ने जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के जरिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सहयोग दिया है, इसलिए ये मेट्रो एक तरह से भारत जापान मित्रता की भी प्रतीक है। भाइयों बहनों, ठाणे से बाला साहब ठाकरे को विशेष लगाव था। ये स्वर्गीय आनंद दिघे जी का भी शहर है।
इस शहर ने देश को आनंदीबाई जोशी जैसी देश की पहली महिला डॉक्टर दी थी। आज हम इन विकास कार्यों के जरिए इन महान विभूतियों के संकल्प को भी पूरा कर रहे हैं। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए ठाणे मुंबई के सभी लोगों को, महाराष्ट्र के सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, आज हर देशवासी का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। इसलिए हमारी सरकार का हर निर्णय, हर संकल्प, हर सपना विकसित भारत के लिए समर्पित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मुंबई, ठाणे जैसे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना है, लेकिन इसके लिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें विकास भी करना है और कांग्रेस सरकारों के गड्ढों को भी भरना है। आप याद करिए, कांग्रेस और उसके सहयोगी मुंबई, ठाणे जैसे शहरों को किस तरफ लेकर जा रहे थे। शहर की आबादी बढ़ रही थी, ट्रैफिक बढ़ रहा था, लेकिन समाधान कोई नहीं था। मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी, उसके थमने ठप होने की आशंकाएं जताई जाने लगी थी। हमारी सरकार ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। आज मुंबई महानगर में लगभग 300 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क तैयार हो रहा है। आज मरीन ड्राइव से बांद्रा तक का सफर कोस्टल रोड से 12 मिनट में पूरा हो रहा है। अटल सेतु ने दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच उस दूरी को भी कम कर दिया है। ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव भूमिगत टनल प्रोजेक्ट में तेजी आई है। ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट हैं, जो मैं गिनता जाऊं तो लंबा समय निकल जाएगा। वर्सोवा से बांद्रा सी ब्रिज प्रोजेक्ट, ईस्टर्न फ्रीवे, ठाणे बोरीवली टनल, ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट से इन शहरों की तस्वीर बदल रही है। इसका बहुत बड़ा फायदा मुंबई के लोगों को होगा। इनसे मुंबई और आसपास के शहरों में मुश्किलें कम होगी, यहां रोजगार के नए मौके बनेंगे, यहां उद्योग धंधे बढ़ेंगे। साथियों, आज एक तरफ महायुति सरकार है, जो महाराष्ट्र के विकास को ही अपना लक्ष्य मानती है, दूसरी ओर कांग्रेस और महाअघाड़ी वाले लोग हैं, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो विकास के काम को ठप कर देते हैं। महाअघाड़ी वालों को विकास के कामों को सिर्फ लटकाना, अटकाना और भटकाना ही आता है। मुंबई मेट्रो खुद इसकी सबसे बड़ी गवाह है। मुंबई में मेट्रो लाइन 3 की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस जी के
मुख्यमंत्री रहते हुई थी। इसका 60% काम उनके कार्यकाल में हो भी गया था, लेकिन फिर महाअघाड़ी की सरकार आ गई। महाअघाड़ी वालों ने अपने अहंकार में मेट्रो का काम लटका दिया। 2.5 साल तक काम अटके रहने से प्रोजेक्ट की कीमत 14,000 करोड़ रुपये बढ़ गई। ये 14,000 करोड़ रुपया ये किसका पैसा था? क्या ये पैसा महाराष्ट्र का नहीं था? क्या ये पैसा महाराष्ट्र के नागरिकों का नहीं था? ये महाराष्ट्र के टैक्स पेयर्स की मेहनत का पैसा था। भाइयों बहनों, एक और काम पूरा करने वाली महायुति सरकार, दूसरी ओर विकास को रोकने वाले महाअघाड़ी के लोग। महाअघाड़ी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से साबित किया है कि वो महाविकास विरोधी लोग हैं। इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया था, इन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को ठप करने की पूरी साजिश की। जब तक ये सत्ता में रहे, इन्होंने बुलेट ट्रेन के काम को आगे नहीं बढ़ने दिया। इन्होंने तो महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट तक को नहीं बख्शा। जो काम महाराष्ट्र के लोगों की प्यास बुझाने के लिए शुरू हुए थे, महाअघाड़ी सरकार ने उन्हें भी रोक कर रखा था। ये आपका हर काम रोक देते थे, अब आपको इन्हें रोक देना है। महाराष्ट्र में विकास के इन दुश्मनों को सत्ता के बाहर ही रोक देना है, सैकड़ों मील दूर रखना है। साथियों, कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। चाहे कोई भी दौर हो, कोई भी राज्य हो, कांग्रेस का चरित्र नहीं बदलता। आप पिछले एक हफ्ते का हाल देख लीजिए। कांग्रेस के एक सीएम का जमीन घोटाले में नाम सामने आया है, उनके एक मंत्री महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस नेता ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं। कांग्रेस चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सरकार बनने पर ये जनता के शोषण के नए नए तरीके खोजते हैं। आए दिन नए नए टैक्स लगाकर अपने घोटालों के लिए पैसा जुटाना, यही इनका एजेंडा होता है। हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार ने हद ही कर दी है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एक नया टैक्स लगाया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या नया टैक्स लगाया है? उन्होंने नया टैक्स लगाया है टॉयलेट टैक्स। एक तरफ मोदी कह रहा है टॉयलेट बनाओ, और ये कह रहे हैं हम टॉयलेट पे टैक्स लगाएंगे।
यानी कांग्रेस लूट और फरेब का एक पूरा पैकेज है। वो आपकी जमीन लूटेंगे, वो युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेलेंगे, वो आप पर टैक्स का बोझ ला देंगे और महिलाओं को गालियां देंगे। लूट, झूठ और कुशासन का ये पूरा पैकेज, ये कांग्रेस की पहचान है। और याद रखिए, मैंने तो अभी सिर्फ पिछले कुछ दिनों की तस्वीर आपके सामने रखी है, और वो भी पूरी पूरी नहीं, क्योंकि समय का अभाव रहता है। कांग्रेस वर्षों से यही करते आई है। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र में इन्होंने अभी से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आप देखिए, महायुति सरकार ने महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना शुरू की। इसमें बहनों को 1,500 रुपया महीना और 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिल रहे हैं। महाअघाड़ी वाले इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं, वो इंतजार में है कि उन्हें मौका मिले। मायूती की सरकार को अगर मौका मिला, जो मिलने वाला नहीं है, सबसे पहला काम ये शिंदे जी पर गुस्सा उतारेंगे और शिंदे जी ने जितनी योजनाएं बनाई हैं सब पर ताला लगा देंगे। महाअघाड़ी वाले चाहते हैं कि पैसा बहनों के हाथ में न जाए, लेकिन उनके दलालों की जेब में जाए। इसलिए हमारी माताओं बहनों को कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों से जरा ज्यादा ही सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि कांग्रेस को देश के विकास से क्या तकलीफ है, लेकिन जब से ये लोग सत्ता से बाहर गए हैं, इस सवाल का जवाब इन्होंने खुद दे दिया है। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। इसलिए अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले